उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चिन्हट देवा रोड पर नारायण सेवा संस्थान में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रतिभाग करने पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, जनता का भरोसा लगातार भाजपा पर बढ़ रहा है और भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष केवल सत्ता और कुर्सी पाने के लिए लड़ रहा है। सत्ता के लोलुप लोगों के समूह को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब इनका शासन था तब प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर था। इस संगठन में भ्रष्टाचार करने वाली सभी पार्टियां और नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। आज G20 के समापन के बाद दुनिया में भारत का परचम शिखर की ओर जा रहा है। डिप्टी सीएम ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी आधी आबादी को बराबर का हिस्सा देता है। यह पहली बार संभव हुआ है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए बिल पास कराया गया। समाज में अतुलनीय कार्य किए, नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देना, उन्हें कौशल विकास के साथ जोड़ना, हमारी बहनों को ट्रेनिंग देना, सिलाई मशीन वितरित करना, सैकड़ों ऐसे आयोजन हमारे भगवत प्रभु जी के नेतृत्व में, उनकी कृपा से, उनकी मेहनत से हो रहे हैं। पूरा समाज उनकी तरफ देख रहा है, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दुगनी ताकत से लगना चाहिए। मैं सदैव प्रभु जी को प्रणाम करता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण जी पधारे हैं बाराबंकी लखनऊ के बॉर्डर पर। हम तो यही कहेंगे लक्ष्मी नारायण आए हैं तो बाराबंकी लखनऊ का सबकी कोठरिया रोटी हमने भर जाए। कई नदियों को बांध दिया गया, पक्का पक्का दिया गया। इस संबंध में अतिक्रमण हो रहा है। इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे। आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसकी कमियां बता रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत अपनी आधी आबादी को बराबर का हिस्सा देता है। आज मैं प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये पहली बार संभव हुआ है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज 181 हमारी बहनें बराबरी से कंधा मिलाकर देश में कानून बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है।